हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आए हैं, जिसको दोस्तों हमने करेजी के अंदर बनाया है और आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कितना ख़ूबसूरत डिज़ाइन है ये। और इसके अंदर दोस्तों हमने कौन कौन सा मार्बल किस तरीके से इस्तेमाल किया है और किस तरीके से आप इस वाले डिज़ाइन को अपने मकान के अंदर बनवा सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहें दोस्तों हमारे साथ में, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, इस वाले डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक खन्ने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले दोस्तों हमें बराबर बिल्कुल एक खन्ना चाहिए। तो हमने 64x64 इंच का इस तरीके का एक खन्ना बना रखा है और फिर उसके बाद में बीच सेंटर में आपको निशान मार लेना है। और निशान मारने के बाद में दोस्तों फिर आपको 6 इंच का एक सूत ले लेना है और सूत के दोनों तरफ हमें इस तरीके से सींक बांध लेनी है। और सींक को बांधने के बाद में दोस्तों उसको बीच सेंटर में एक सींक को इस तरीके से गाड़ देना है और सींक को गाड़ने के बाद में दूसरे वाली सींक दोस्तों इस तरीके से हमें घुमा देनी है। फिर दोस्तों आपको 12 इंच का एक सूत लेना है और सूत के दोनों तरफ इस तरीके से सींक बांध लेनी है और एक सींक बीच सेंटर में गाड़ देनी है और दूसरे वाली सींक को इस तरीके से आपको घुमा देना है। तो हमारा जो दूसरे वाला निशान है वो भी दोस्तों लग के कम्प्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको 18 इंच का एक सूत लेना है और सूत के दोनों तरफ सींक बांध के फिर दूसरे वाली सींक को इस तरीके से गाड़ लेना है और दूसरे वाली सींक को दोस्तों इस तरीके से आपको घुमा देना है। तो हमारा जो बीच वाला सेंटर है, बीच वाली जो गोलाई है, वो दोस्तों फाइनल हो चुके हैं यहाँ पर इस तरीके से। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ से बीच सेंटर से इस तरीके से आपको यहाँ पे निशान मार लेना है। जो हमारा बीच सेंटर है उसके 3 इंची इधर में हमें निशान मारना है और 3 इंची परली साइड में हमें इस तरीके से निशान मारना है। तो चारों तरफ दोस्तों हमारे जो निशान है उसको इसी तरीके से हमें कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों ये वाले निशान भी हमारे लग के कम्प्लीट हो चुके हैं। फिर आपको एक फंटी ले लेनी है, फंटी से इस तरीके से आपको निशान खींच लेना है। और दोस्तों हमारी जो लास्ट वाली गोलाई है उससे हमें इस वाले निशान को 6 इंची हटा लेना है और 6 इंची हटाने के बाद में फिर इस तरीके से यहाँ पे निशान मार लेना है। तो ये वाले निशान भी दोस्तों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आपको दोस्तों 10 इंच का एक सूत ले लेना है। सूत लेने के बाद में उसके दोनों तरफ सींक बांध के एक सींक को कॉर्नर में रखना है और दूसरी सींक को दोस्तों हमें इस तरीके से घुमा देना है। तो हमें इसके कॉर्नर इस तरीके से बना लेने हैं। और दोस्तों इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें 3 कलर का मार्बल चाहिए। तो जो हमारे कॉर्नर है, कॉर्नर में हम ब्राउन ग्रेनाइट ले रहे हैं और जो बीच सेंटर है उसके अंदर दोस्तों हम व्हाइट मार्बल लगा रहे हैं। और दोस्तों जो हमारी दूसरी गोलाई है उसके अंदर हमें ब्राउन ग्रेनाइट लगा लेना है। और दोस्तों जो हमारी तीसरे वाली गोलाई है उसके अंदर हम कटनी मार्बल लगा रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसके अंदर कोई भी कलर का मार्बल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो ये वाला डिजाइन है आपको इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। और इसके अंदर जब हम करेजी लगाएंगे तो करेजी के जो हमारे पीस होंगे दोस्तों उनको हमें छोटा कर लेना है। अगर दोस्तों हम इसके अंदर करेजी के बड़े पीस लगाएंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो सही तरीके से नहीं बन पाएगा और ना ही उसके अंदर अच्छे तरीके से लुक आ पाएगा। और दोस्तों इसके अंदर जो हम दाना भरेंगे वो हमारा जो दाने का कलर है वो वाइट है और दोस्तों इसके अंदर जो हम कलर मिलाएंगे वो पीला कलर मिलाएंगे। तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर कोई भी कलर मिला सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको दाने के बारे में कोई जानकारी चाहिए, दोस्तों दाने के ऊपर हमारी पूरी वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख करके दाना भरने का पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। और दोस्तों जो हमारी बाकी की जगह बची हुई है इसके अंदर हम व्हाइट मार्बल लगा रहे हैं। तो आप कोई भी मार्बल इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी तरीके का दोस्तों आप इसके अंदर मार्बल लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो डिजाइन है वो बनके कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद में इस तरीके का लुक इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।